तो अगर आप लोग पीसी टेक कम्युनिटी से जरा सा भी जुड़े हुए हो तो आप लोगों को पता होगा कि जो ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा आपकी हाई चल रही हैं। एंड इसी रीजन से जो लोग हैं वो लोग एक ऐसा पीसी बिल्ड करना प्रेफर कर रहे हैं जिसको वो लोग फ्यूचर में अपग्रेड कर पाए। लेकिन अब इंडिया में ऐसी बहुत सारी ऑडियंस होती है जिनका बजट उतना ज्यादा नहीं है, तो आज के इस वीडियो अंदर मैं आपको एक ऐसा पीसी बिल्ड बताऊंगा जिसको आप लोग 40,000 से बिल्ड कर पाओगे। एंड इस बिल्ड की खास बात क्या होगी कि अगर आप लोग चाहो तो इस पीसी का जो ग्राफिक कार्ड है उसको फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो किसी भी RTX ग्राफिक कार्ड के साथ। तो चलिए बस शुरुआत करते हैं हमारे पीसी के मदरबोर्ड के साथ एंड बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड के बारे में। एंड अगर हम वही बात करें इस पीसी के मदरबोर्ड के बारे में तो इस पीसी के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं MSI का S310M Pro VDH Plus मदरबोर्ड जो कि आपको केवल 5000 रुपए कीमत में ऑफर करता है दो रैम स्लॉट जिसमें आप लोग 2666 मेगाहर्ट्ज तक की रैम को लगा सकते हो। साथ ही इसके अंदर आप लोगों को इंटेल की 9th जनरेशन तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम इस पीसी के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अगर हम लोगों ने एक इंटेल बेस्ड मदरबोर्ड लिया है तो हम लोग एक इंटेल का CPU चूज करेंगे जो कि है इंटेल का कोर i5 9400F। एंड अगर मैं इस CPU के बारे में बात करूं तो ये CPU आपको प्राइम AVGP के ऊपर लगभग 11000 रुपए का देखने को मिल जाता है। एंड ये आपको 11000 रुपए की कीमत में ऑफर करता है 6 कोर और 6 थ्रेड। एंड इसकी जो बेस क्लॉक होती है वो होती है 2.9 GHz। एंड जिस समय आप लोग इसको फुल पोटेंशियल पे यूज करते हो ये आपका 4.1 GHz तक जाता है। अगर वही बात आती है इस प्रोसेसर TDP की तो ये आपका 65 वॉट की TDP पे रन करता है। साथ ही इस प्रोसेसर के अंदर आप लोग केवल 266 मेगाहर्ट्ज तक रैम का यूज कर पाओगे। इसका मतलब कि जो हमारा मदरबोर्ड है वो इस प्रोसेसर फुल्ली कंफर्टेबल बैठ जाता है। वहीं अगर बात आती है PSU के बारे में तो इस PC अंदर हम लोगों ने जिस पावर सप्लाई का यूज किया है वो आपकी एक बहुत सॉलिड पावर सप्लाई है जो कि आपको 3000 रुपए की कीमत में ऑफर करती है 550 वॉट जो कि है आपकी Attack की Atom 550 वॉट पावर सप्लाई जो कि आपकी 18 प्लस ब्रॉजन सर्टिफिकेशन के ऊपर आती है। साथ ही इस पावर सप्लाई को चूज करने का मेरा एक रीजन और था क्योंकि जिस प्राइस में आपको कूलर मास्टर और कॉर्सियर केवल 450 वॉट ऑफर करते हैं ये पावर सप्लाई आपको 550 वॉट ऑफर कर रही है। एंड साथ ही में अगर आप लोग इस पावर सप्लाई का यूज करते हो तो आप लोग फ्यूचर में आपको अपनी पावर सप्लाई को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि आज की डेट में मार्केट में आपको कोई भी अच्छी 266 मेगाहर्ट्ज की रैम नहीं मिल रही है। एंड इसी मजबूरी की वजह से हम लोगों ने इस बिल्ड के अंदर जिस रैम का यूज किया है वो XPG की A डेटा 8GB रैम जो कि आपकी DDR4 के ऊपर आती है और 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर आती है। साथ ही इस रैम को चूज करने का एक रीजन और था क्योंकि ये रैम जो आपको हीट सिंक प्रोवाइड कराती है वो बहुत सॉलिड है। एंड मैं नहीं चाहता कि हमारी जो रैम है वो फ्यूचर में आपकी हीट करे क्योंकि आपको पता है जिस समय आपको कोई कंपोनेंट हीट करता है तो उसके ख़राब होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई 3000 या फिर 266 मेगाहर्ट्ज की रैम मिल रही है तो आपको उसको बाय करना है क्योंकि उसमें जो आपका पैसा बचेगा वो बचेगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छी हीट सिंक वाली रैम को ही बाय करना है। एंड साथ ही इस रैम की जो प्राइसिंग है वो लगभग 4000 रुपये है। तो मेरे अकॉर्डिंग 4000 रुपये में जे रैम अभी हमें वैल्यू दे रही है वो काफी अच्छी है। बाकी एक बात बता दूं कि अभी की डेट में हमने अपने पीसी अंदर केवल सिंगल रैम मिस्टेक का यूज किया है। अगर आप लोगों का बजट अगर थोड़ा सा एक्सटेंड होता है तो आप लोगों को इसके अंदर डुअल चैनल रैम का यूज करना है। बाकी जिनका बजट 40,000 रुपीज है तो अभी के लिए आप सिंगल चैनल रैम यूज करो। बाकी फ्यूचर के अंदर में आप लोग इसके अंदर एक रैम को और इंक्लूड कर सकते हो। वहीं अगर बात आती है स्टोरेज के लिए तो स्टोरेज के मामले में मैंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है क्योंकि स्टोरेज के लिए हमने अपने पीसी के अंदर एक 1TB की हार्ड डिस्क यूज करी है जो कि आपकी WT Blue की तरफ से आती है। एंड जिसकी जो कीमत है लगभग 3300 रुपए के आसपास पड़ती है। वहीं हम लोगों ने जो प्राइमरी स्टोरेज के लिए डिवाइस यूज किया है वो है एक SSD जो कि आपकी 240GB की लगभग 3000 रुपए देख लो मिलती है जो कि आपकी क्रूशल की तरफ से आती है। बाकी एक बात और कि मैंने आपको जितने भी PC पार्ट बता रहा हूँ सबके बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो आपको जाके चेकआउट कर लेना। एंड अगर वही बात आती है कैबिनेट के बारे में जहां
जहाँ पे हमारे सभी कंपोनेंट्स अपनी विराजमान होने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने पहले बता दूँ, कैबिनेट के मामले में मैंने कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बोला कि हमारा पीसी फ्यूचर रेडी होने वाला है। तो अगर आप इसे फ्यूचर में कोई अच्छा ग्राफिक कार्ड यूज़ करोगे, तो आपको पता है कि जो एक अच्छा ग्राफिक कार्ड होता है वो आपकी हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी कैबिनेट अगर थोड़ी सी भी कॉस्ट कटिंग करता, तो हो सकता है कि अगर आपको फ्यूचर में हीटिंग इशू देखने को मिलते। इस वजह से मैंने जिस कैबिनेट का यूज़ किया है वो है आपकी डीप कूल की मैट्रिक्स 43FS, जो कि आपकी मिड टावर कैबिनेट है। एंड मैं पहले बता दूं कि अगर आप कैबिनेट डीप कूल की बाय कर रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जो डीप कूल है वो अपने AIO और अपने कैबिनेट के लिए जाना जाता है। तो अगर वही कैबिनेट के बारे में बात आती है, तो ये कैबिनेट आपको ऑफर करती है, आप लोगों को 3 120mm के फैन में देखो मिल जाते हैं, जो कि आपके LED मतलब RGB के साथ आते हैं। बाकी कंपनी आपके एक ऑप्शनल ऑप्शन भी देती है कि अगर आप लोग चाहो इस पीसी ना फ्यूचर में अपना एक AIO भी लगा सकते हो, जो कि आपका 240mm या फिर 280mm का होगा, उससे आप इजिली इंक्लूड कर पाओगे। इसका मतलब कि जो हमारा ये पीसी है फ्यूचर रेडी भी हो गया। एंड अगर अब वही बात आती है हमारी पीसी की जान मतलब कि ग्राफिक कार्ड के बारे में, तो इस पीसी के अंदर हम लोगों ने जिस ग्राफिक कार्ड का यूज किया है वो है आपका GT1032 GB लो प्रोफाइल ग्राफिक कार्ड। एंड इस ग्राफिक कार्ड को यूज करने का एक रीजन ये था, क्योंकि ये आज की डेट में आप लोगों को Amazon के ऊपर लगभग 8000 रुपए में देखने को मिल रहा है। एंड 8000 रुपए के अंदर ये ग्राफिक कार्ड आपको बेहतरीन डील देता है। बाकी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि जो आपका ये ग्राफिक कार्ड है काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है, बस इतना भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा बुरा ग्राफिक कार्ड है, क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड आपको नाम के लिए गेमिंग करा देता है। बाकी एक बात और कि मैंने इस ग्राफिक कार्ड को इसलिए चूज किया कि जिस समय आप लोग अपने पीसी को फ्यूचर में अपग्रेड करोगे, तो बनी सी बात है कि आप लोग अपने इस वाले ग्राफिक कार्ड को सेल करोगे, तो आप लोग इसे बड़ी आसानी से 3 से 4 हजार रुपए का सेल कर पाओगे, जिससे आप लोग अभी 8000 रुपए में खरीद रहे हो। एंड यही रीजन था कि मैंने एक ऐसा ग्राफिक कार्ड चूज किया जो कि आपको गेमिंग करा सकता है। एंड इस ग्राफिक कार्ड के साथ आप लोग चाहो तो एक नाम के लिए गेमिंग कर सकते हो। बाकी एक बात मैं बोलूंगा कि जिस समय आप लोग फ्यूचर में अपने ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड करोगे, तो जो ये पीसी है आपको एक बीस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देगा। अब चलिए पहले बढ़ते हैं हमारे बेंचमार्क की तरफ। Come on, just do it. Any final words? Wait. I'm a government official. I'm supposed to be here. Not anymore, Mr. Lead Archaeologist. Your employment has been terminated. Please, no.
बेंचमार्क देखने के बाद आप लोगों को एक बात का भरोसा हो क्या होगा कि जो हमारा पीसी है वो गेमिंग करा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि हमारा पीसी फ्यूचर रेडी है, तो जिस समय आप लोग इसमें फ्यूचर में अपने कुछ भी पार्ट्स इंक्लूड करोगे तो जो आपको जो परफॉर्मेंस देगा वो बहुत सॉलिड देगा। बाकी एक वो फुल बजट आया वो आया लगभग 42,000 रुपीज। अब मैं चाहता तो इस बजट को 35,000 तक लेके जा सकता था। जैसा कि मैंने बोला कि इस पीसी में हम लोगों ने जितने भी कंपोनेंट्स यूज करे हैं वो सभी आपके बेस्ट हैं और सभी फ्यूचर रेडी हैं। इस वजह से चाहे फिर पावर सप्लाई हो चाहे फिर हमारे पीसी का कैबिनेट हो, मैंने कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। बाकी मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप लोग कॉस्ट कटिंग ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप पीसी से अगर एसएसडी को हटा देते हो तो हमारा पीसी 39K में बिल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप एसएसडी को इंक्लूड करके रखोगे तो आप लोगों का जो विंडोज़ का एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है कंपेयर टू हार्ड डिस्क। तो मैं इसलिए बोलूँगा प्लीज़ अपने पीसी के किसी भी पार्ट्स को रिमूव मत करना। बाकी 42,000 में आप एक ऐसा पीसी बिल्ड कर लोगे जो कि आपका फ्यूचर रेडी होगा।